وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إك بأي سؤال كرتين کہ حالت رُوزَةٍ روزا مي احتلام هو तो क्या इससे रोजा टूट जाता है तो गुजारिश यह है कि एहतलाम से रोजा नहीं टूटता अब आप कहेंगे इसकी दलील क्या है तो इसकी दलील ये है कि एहतलाम से रोजा टूटने की कोई दलील नहीं है क्योंकि वो चीजें जिनसे रोजा टूटता है वो तोक़ीफ़ी हैं, वो शरीयत ने बताई हैं। हम अपनी तरफ से किसी ऐसी चीज को किसी ऐसी चीज का इजाफा नहीं कर सकते जो शरीयत ने ना बताई हो कि हम कहें कि इससे रोजा टूट जाता है इससे रोजा फासद हो जाता है इससे रोजा बातल हो जाता है जिन चीजों से रोजा फासद होता है शरीयत ने बता दी उन चीजों में हमें एहतलाम नहीं मिला तो इसलिए सही बात यह है कि एहतलाम से रोजा नहीं टूटता बल्कि ये वो चीज है जिसके ऊपर कलम का इजमा है और इस इजमा को नकल करने वाले बहुत से हैं इमाम इब्ने तैमिया तहमिया इस इसमा को नकल करते हैं इमाम नबी इस इसमा को बयान करते हैं और दीगर कई अम कल बयान करते हैं तो इसलिए एहतलाम की वजह से रोजा नहीं टूटता और वैसे भी मेरे भाइयों आप ये बताएं एहतलाम कब होता है जी नींद की हालत में होता है और जो आदमी नींद की हालत में हो वो तो मुकल्लफ ही नहीं होता नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन तरह के लोग हैं जो मरफूल कलम हैं जिनसे कलम उठा लिया गया है जो मुकल्लफ नहीं रहते जिनसे बात पूछ नहीं होगी उनमें से एक फ़रमाया النائم حتا يستيقظ वो आदमी जो सोया हुआ हो जब तक के बेदार ना हो जाए तो एहतलाम नींद के हालत में होता है और नींद की हालत में इंसान सोया होता है ये अमर उसके हाँग उसके हाथ में नहीं होता तो इससे भी वादे हो रहा है कि एहतलाम की वजह से रोज़ा फासिल नहीं होता बल्कि इसकी एक और दलील भी आपके सामने रखना चाहूँगा और वो ये कि इमाम मुस्लिम वगैरह रवायत करते हैं उमिन आयशा से और कि नबी अली सके नबीत कई मरतबा जनाबत की हालत में होते फदर तुलू होती तो आप जिनाबत की हालत में होते और उसके बाद आप गसल करते और उस दिन आप रोजा रखते आप देखिए कि फदर तुलू हुई है तो आप जिनाबत की हालत में हैं, गसल कब किया है फजर की तो आप किस हालत में है जिनाबत की हालत में है तो क्या जिनाबत की वजह से आपका रोजा टूटा नहीं टूटा तो बहाल ये मसला वाजे है कि वजह से रोजा नहीं टूटता वल्ला